जिस प्रकार की लाल आंधी आई हुई है, हमें इस बात का एहसास है कि आज जींद के अंदर वो आक्रोश जो लोगों ने, पांच मुख्यमंत्रियों ने लोगों के साथ भेदभाव करके लोगों के हितों को लूट रखा और ऊपर से गुंडागर्दी हुई, आज वो लोग उस बात का बदला लेना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर आगजनी हुई, तांडव हुआ, लूटपाट हुई और 10% लोगों के पास आज 50 से 55% रोजगार के साधन है और नौकरियां हैं और आज 90% लोग 45% के अंदर सीमित हैं, किसी को भी मान और सम्मान नहीं मिला, जींद के साथ सौतेला हुआ व्यवहार हुआ, इन सब समस्याओं से आक्रोशित होकर के आज पूरा जींद बाहर निकला हुआ है और आक्रोश है लोगों में कि सरकार ने उनकी कोई नहीं सुनी, ना रोजगार में ना विकास में, और ठीक कांग्रेस की तरह इसी प्रकार से मौजूदा बीजेपी भी काम करते रहे। लोग भविष्य की राजनीति तय करने के लिए आज बाहर निकले हैं। ये 2019 का जो चुनाव है, उस चुनाव के अंदर लोगों की भावनाएं आज स्पष्ट तौर पर देखने को मिलेंगी और ये जो लोग हैं ये सिर्फ भविष्य की रणनीति तय करने के लिए आज बाहर निकले हैं। कांग्रेस तो चौथे नंबर पर जा चुकी है, कांग्रेस का कोई हिसाब नहीं है। बीजेपी अपने धन बल के बलबूते और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके मैदान में लोगों को रिझाने का प्रयास ये कह करके लगी कि राजकुमार सैनी बैठ जाएगा, राजकुमार सैनी को हम खरीद लेंगे, उसके कार्यकर्ताओं को खरीद लेंगे और कुछ एक के ऊपर उन्होंने ढोरे डाले भी। लेकिन ये स्पष्ट है कि अब बीजेपी को समझ में आ चुका होगा कि ये लोग आज ना बीजेपी के साथ, ना कांग्रेस के साथ, ना इनेलो के साथ, ये भविष्य की रणनीति तय करने के लिए आज लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के झंडे के नीचे आ चुके हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे इस मुकाबले के बाद जो हमारे 50% एक तरफा वोटर हैं, 50% में सारी पार्टियां हैं।